गेट रेडी फॉर द डिक्टेशन. डिक्टेशन विल स्टार्ट इन 5 सेकेंड्स. स्टार्ट. मिस्टर रवि सिंह लर्न्ड सीनियर काउंसिल फॉर द एपिलेंट्स सबमिटेड दैट द पर्पस ऑफ सेक्शन 195 इज टू बार प्राइवेट प्रोसिक्यूशन वेयर द क्लोज ऑफ जस्टिस इज सॉट टू बी परवर्टेड लीविंग इट टू द कोर्ट इट्सेल्फ टू अपहोल्ड इट्स डिग्निटी एंड प्रेस्टीज फुल स्टॉप. इफ ए वेरी रेस्ट्रिक्टेड इंटरप्रिटेशन इज गिवन टू सेक्शन 195 CRPC, द प्रोटेक्शन एफोर्डेड बाई द प्रोविजन विल बी वर्चुअली रिड्यूस्ड टू ए वैनिशिंग पॉइंट कॉमा डिफीटिंग द वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ द इनेक्टमेंट फुल स्टॉप. द प्रोविजन डज नॉट कंप्लीटली बार द प्रोसिक्यूशन ऑफ ए पर्सन हु हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ द टाइप डिस्क्राइब्ड देयर अंडर बट इंट्रोड्यूसेस ए सेफगार्ड इन द सेंस दैट ही कैन बी सो प्रोसिक्यूटेड ओनली ऑन द कंप्लेंट ऑफ द कोर्ट वेयर द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड और गिवन इन एविडेंस और ऑफ सम अदर कोर्ट्स टू विच डैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट फुल स्टॉप. लर्न्ड काउंसिल हैज ऑल्सो सबमिटेड डैट बीइंग ए पैनल प्रोविजन कॉमा गिविंग ए रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग एज हेल्ड इन द केस ऑफ कनक लता अंडर ब्रैकेट सुप्रा हु वुड बी प्रॉपर एज ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ दैट प्रोटेक्शन गिवन टू हिम बाय द लेजिस्लेचर फुल स्टॉप. ही हैज़ ऑल्सो सबमिटेड दैट ऑन द एफोरसेड व्यू देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्टिंग फाइंडिंग्स बीइंग रिकॉर्डेड बाय द सिविल और रिवेन्यू कोर्ट वेयर द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड और गिवन इन एविडेंस एंड दैट रिकॉर्डेड बाय द क्रिमिनल कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट कंप्लेंट एंड देयरफॉर एन एफर्ट शुड बी मेड टू इंटरप्रिटेट द सेक्शन इन द मैनर विच अवॉइड्स सच ए पॉसिबिलिटी फुल स्टॉप. श्री के सक्सेना कॉमा लर्न्ड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट्स हैज़ सबमिटेड दैट द लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन इज क्लियर एंड देयर बीइंग नो एम्बिग्युइटी देयर इन कॉमा द ओनली पॉसिबल मैनर इन विच इट कैन बी इंटरप्रिटेड इज दैट द कंप्लेंट बाई ए कोर्ट वुड बी नेसेसरी व्हेन द ऑफेंसेस एन्यूमरेटेड इन द सेक्शन आर कमिटेड टू ए एट अ टाइम व्हेन द डॉक्यूमेंट
has already been produced or given in evidence in court, that is when it is in the proceedings of the court, full stop. The provision has to be strictly construed as it creates a bar on the power of the court to take cognizance of an offense, and any provision which ousts the jurisdiction of the court, comma, which must be strictly constituted and cannot be given an enlarged meaning, full stop. Since the provision deprives a person who is a victim and is aggrieved by the offenses described under section 463 or punishable under section 471, 475 or 476 IPC to initiate a criminal prosecution while filing a complaint, comma, his interest cannot be overlooked, and therefore the provision should not be given an enlarged meaning but only a restricted meaning should be given, full stop. Learned counsel has also submitted that in certain situations where the forgery has been committed at any time prior to the production or giving in evidence of the document in court, comma, it may not at all be possible for such court to effectively form an opinion as to whether it is expedite to file a complaint, and that may facilitate the escape of a guilty person, full stop.